सो आई गाइस अनदर साइड फ्रॉम वेजीपाजी और आज मेरे साथ है सिद्धांत। सिद्धांत को आपने देखा होगा होली व्लॉग्स वाली वीडियो में। सिद्धांत थोड़ा सा कैमरा शाय है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बीकानेर वाले पे खाने नवरात्रा थाली। ऐसे नहीं, नवरात्रि का खाना खाया कभी तूने? नहीं, फर्स्ट टाइम। फलाहार नवरात्रा मेन्यू थाली वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वहाँ पे खाएंगे, देखेंगे क्या एक्सपीरियंस है और आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग नवरात्रों पे व्रत रखते हो कि नहीं रखते? नवरात्रों का खाना आपने खाया कि नहीं खाया, फलाहारी खाना? मैं ऑलमोस्ट हर साल नवरात्रों का व्रत रखता हूँ और नवरात्रों में बहुत क्रेजी चीज़ें मिलती है। लास्ट नवरात्रों में मैंने नवरात्रों का बर्गर खाया था, जो यहाँ पे आई बटन में लिंक्ड होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्ड होगा, जाके चेकआउट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंने किसी देर के इन 3, 2, 1। फलार पनीर पकौड़ा, फलार आलू बोंडा, फलार बादाम कटलेट, फलार पीनट कटलेट, आलू फलार इज बेसिकली नवरात्रि का। ये फलार गुलाब जामुन होंगे क्या? कहाँ पे? यही वाले आलू मसा? ओ ये देख सिनी फलार गुलाब जामुन ये किससे बने थे? कुट्टू कराटे से? नवरात्रि वाले हैं ना। ये एक थाली है, थाली में तो एक डीलक्स थाली मंगवाते हैं। कॉम्बोस जो कॉम्बोस में है वो थाली में कवर हो जाएगा, तो थाली इज फाइन। चाट में फलाहार आलू पकौड़ी चाट। कुट्टू के आटे के पकौड़े खाए हैं? मैंने कुट्टू के आटे कुछ नहीं खाया। तूने कुछ भी नहीं खाया? नहीं। तो सेनी ऐसा बंदा है जिस जो नवरात्रि के व्रत नहीं रखता है, तो उसको पता ही नहीं कि नवरात्रों में क्या मिलता क्या नहीं मिलता। आर यू एक्साइटेड? यस। नो, यू आर थिंकिंग क्या क्या खिलाएगा आज तन पे? मसाला वीडियो में डाली, मेरे को बनाया नहीं। पुदाना चाट, लच्छा टोकरी खाना, टोकरी मंगा ले। लेट्स गेट ये छोटी छोटी चीज़ें। एक साबुदाना पकौड़ा लेते हैं, एक बादाम कटलेट लेते हैं और डेजर्ट्स में एक गुलाब जामुन। तो आज की वीडियो में हम लोग आए हैं बीकानेर वाला पे, क्योंकि मैं दोनों के फलाहार मेन्यू देख रहा था, हल्दीराम सर बीकानेर वाला और मैं रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी में दोनों चिपके हुए हैं। तो बीकानेर वाला का मेन्यू मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो वो आपको दिखाते हैं क्या मेन्यू और खाते हैं। कितना है आपका? एक ये पनीर चीला वगैरह ये अवेलेबल है? ये मिलेगा ही नहीं पूरे मेन्यू में? नहीं मिलेगा, ठीक है बस ये इसी का बिल कर दीजिए। बस सौंदेश में उत्तरी क्या? और पाइनएप्पल सौंदेश में पीस दे पाइनएप्पल का। तो ये सारा भी है, एक डिलक्स थाली और कर देना। तो हल्दीराम्स में हमने ब्रेकफास्ट मेन्यू की सारा खाना खाने की वीडियो भी बनाई थी, जो यहाँ पे आई बटन में लिंक होगी, तो वो भी चेकआउट करना। तो अब हम लोगों का खाना ऑलमोस्ट आ चुका है। फलाहारी थाली थी, बिग थाली, तो गाइज ये हम लोगों की नवरात्रा थाली है बेसिकली। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया है और ये वाला पार्ट भी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है पहले इस थाली में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है मखाने की खीर, ये है आलू चाट, ये मैंने अलग से मंगवाया, ये इधर था, तो इसकी फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे आलू चाट डाला है, पनीर पकौड़ा अलग से मंगवाया, बादाम कटलेट है बेसिकली कटलेट में, बादाम एंड पीनट सॉस, बादाम और मूंगफली वगैरह डाली हुई है इसमें। यहाँ पे रायता है आपका, ये कोफ्ते हैं, मेरे को लग रहा है ये कुट्टू के आटे से बने हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं, और मलाई कोफ्ते हैं। ये आपकी पनीर की ग्रेवी है, ये आलू है, ये भी आलू है गैस। तो ये बेसिकली सामक के चावल मिलते हैं, पनीर की सब्ज़ी, शाही कोफ्ता, आलू सब्ज़ी, वेज रायता, फलाहारी पूड़ी, आलू चिप्स, अरबी का अचार, सैलेड, मखाने की खीर, बंगाली स्वीट, आलू की सब्ज़ी है। यहाँ पे ना एक्चुअली सामक के चावल आने थे, सामक के चावल है नहीं इसमें, ये आलू की सब्ज़ी है। ठीक है, सामक के चावल है, चावल ही है, तो ये आलू की सब्ज़ी है, सामक के चावल इतना पता नहीं क्यों अजीब से लग रहा है। और ये गुलाब जामुन है, बिलीव इट और नॉट फलाहारी गुलाब जामुन एग्जिस्ट करते हैं, मैंने लास्ट सीज़न भी खाए थे, इस सीज़न भी हम लोग ट्राई करेंगे। ये अलग से लिए हम लोगों ने, 35 रुपीज़ इसका प्राइस है। यहाँ पे चार पूड़ियाँ और थोड़े से वेफर्स मिलते हैं। तो ये है, ये अलग से मंगवाया था, और ये हम लोगों ने लच्छा टोकरी मंगवाई थी, इसके आप थोड़े पुराने शॉट्स देख लो क्योंकि इसका बैंड बच चुका है। और इधर अरबी का चार मंगवाया था, थाली में अरबी का चार आता है, अरबी मैं खाता नहीं नवरात्रों में, तो अलग रखा हुआ है, और सैलेड भी अलग ही रखा हुआ है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ये मतलब मैं नहीं खाता नवरात्रों में। खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लच्छा टोकरी ली थी, तो बहुत टाइम से शूट कर रहे थे तो इसका बैंड बज गया। एनीवे आलू लच्छे की टोकरी थी, उसके अंदर खा के देखते हैं तभी पता चलेगा क्या था। mm.
कुट्टी की पापड़ी डली हुई है, आलू के क्यूब डले हुए और आलू लच्छा, मज़ेदार है। अंदर आलू के लच्छे की एक टोकरी थी, उसके अंदर आलू के क्यूब डले हुए थे, कुट्टू के आटे की पापड़ी डली हुई थी, दही सौंठ चटनी, मज़ेदार, मज़ा आ गया खा के, रिफ्रेशिंग एकदम। सैनी कैसा लग रहा है खाना? डू यू थिंक ये नवरात्रों का खाना है? बिल्कुल नहीं, नॉट ईवन 1%। क्यों? सब कुछ इतना नॉन नवरात्रिश है, बट सारा नवरात्रिश है। नवरात्र के खाने में आपको ना बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। तो जो लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं, जैसे मैं रखता हूँ, तीन टाइप के खाने होते हैं हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से। एक तो होता है तामसिक खाना, एक होता है सात्विक खाना, और एक होता है राजसिक खाना। नवरात्रों में सात्विक खाना खाते हैं, बट सात्विक खाने को ना बेसिकली वो मानते हैं जो खाना खा के आपकी माइंड और बॉडी जो है पीस पे रहे, पीसफुल रहे, आप शांति से रहो। और कुछ लोग उसको नो अनियन नो गार्लिक से भी रिलेट करते हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे तो आपको नो अनियन नो गार्लिक भी खाना मिल जाएगा नवरात्रों के नाम पे। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि आपके व्रत हैं, उनके नहीं है, और ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जितना हो सके ध्यान रखो। जैसे और कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे अरबी यहाँ पे मैंने अलग रखी हुई है, मैं अरबी नहीं खाता। और जैसे ना हर घर का अलग अलग हिसाब रहता है, मेरे घर में अरबी नहीं खाते, मेरे घर में कुछ खाते, आपके घर में कुछ खाते होंगे, ये सब ना घरों के हिसाब से चलते रहते थे। अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से पूछना पड़ेगा कि क्या खाते क्या नहीं खाते। इंडियन कल्चर इज़ बहुत वाइड। एनीवे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आलू चाट है बेसिकली, फ्राइड आलू, हरी चटनी डाली हुई है, क्रिस्पी फ्राइड। और ये इतने से नहीं आते, ये एक्चुअली इतने सारे आते हैं, पूरी प्लेट भरी हुई थी, बट मैंने थंबनेल बनाने के चक्कर में इसको यहाँ डाल दिया। बादाम कटलेट, मेरे को लच्छा टोकरी अभी तक बहुत अच्छी लगी, दैट वाज अमेजिंग। दिस द पनीर पकौड़ा, क्रेजी गुड पनीर पकौड़ा, हाई एक्सपेक्टेशंस। ये चटनी में ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके साथ कुछ भी खाना अच्छा लगेगा। और ये सारी फलाहार चटनी है, फलाहार बेसिकली नवरात्रि का व्रत वाला खाना। हाँ या अभी तक मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी थी ना वो ये लगी थी, मतलब लच्छा आलू टोकरी। बेसिकली अब हल्दीराम बीकानेर वाला कहीं पे भी जाओ ना, वहाँ का चाट जो है ना कुछ भी ले लो, कभी वेफर्स और खीर एक साथ खाइए, हो गया। छोटी छोटी क्यूट सी पूड़ियाँ कुट्टू की, बाइट लेते हैं और यहाँ से आलू के साथ ट्राई करते हैं। नॉट बैड, ठीक ठीक है, डिसेंट। कोफ्ते के साथ ट्राई करते हैं। ओह ये देखो, इधर उपास में, उपास में दिखाता हूँ आपको, ये कोफ्ता देखो, कुट्टू के आटे का कोफ्ता बना हुआ है, पूरा का पूरा कुट्टू के आटा, और आई थिंक अंदर सामक के चावल है। लवली। आजकल क्या है, इतना एडवांस हो गया ना रेस्टोरेंट कल्चर कि आपको लगता ही नहीं आप व्रत रख रहे हो। काफ़ी लोगों ने लास्ट नवरात्रों में कमेंट भी करा था, जिसमें मैंने नवरात्रों में बर्गर खाया था, नवरात्रों में बहुत क्रेजी चीज़ें खाई थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक्ड होगी। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप व्रत रख रहे हो, आप खा रहे हो सारा का सारा सात्विक खाना, फलाहारी खाना, पर इतना आपको ऐसे बना दिया ना कि आपको लगता ही नहीं आप व्रत रख रहे हो। अब खाते हैं हम लोग पनीर। ओ पास में देखो देखो देखो, ये मेरे हिसाब से इधर ये दिखाता हूँ। हाँ ये सामक के चावल है, पता नहीं कैसे घेपे से बनाए हैं। या आई वुड नॉट ईट दैट, टाइम टू हैव मखाने की खीर। वो शादी वादी होती है तो सेरेमनीज होती है, फिर वो अंगूठी ढूंढते हैं, याद है? मखाने ढूंढ रहे, दो मखाने, एक कान पर दूसरा। अच्छे लाइक इट। हमने बनाने के चक्कर में ना क्या क्या करना पड़ता है, मैंने लास्ट सीज़न खाया था, और लास्ट सीज़न तो बहुत ही ड्राई ड्राई सा था, इस सीज़न बहुत इम्प्रूव किया, इज़ अमेजिंग। ओवरऑल नवरात्रि में एक बार एटलीस्ट हल्दीराम या बीकानेर वाला पे आके अपने आसपास के घर के आसपास
जाके खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। नवरात्र थाली मस्ट ट्राई है, लच्छा आलू ढोकरी, दैट इज़ वन थिंग जो सस्ती भी है अच्छी भी है। ये सारा खाना नवरात्रि खाना बहुत महंगा होता है। यहाँ पे आई थिंक मेरा 800-800 रुपए का बिल आया था ये सारी चीज़ों का, महंगा है बट कोई नहीं, नवरात्रों का मज़ा आ रहा है। ये तो बेसिकली ना देखो कितना कच्चा सा है। नौ आवर्स खिचड़ी, खिचड़ी नहीं पसंद आई। सबसे अच्छा क्या लगा? लच्छा आलू टोकरी थाली में और इसमें? नहीं, जो सब मंगवाया सब में लच्छा टोकरी, लच्छा टोकरी, लच्छा टोकरी टॉप्स। कैमरा शायद सेनी की लास्ट बाइट। सेनी इधर आके मिला के तो देखो, एक्सटेसी एक्सटेसी फैंसी वर्ड्स, कैट की तैयारी करी है। तो गाइस हम लोगों का पूरा पेट भर चुका है, आई थिंक पूरे दिन का काम हो जाएगा अभी ये सारा खाना खा के। बहुत हैवी बहुत हैवी थाली थी, तो सिद्धांत ने तो ज़्यादा खाना नहीं खाया। सिद्धांत बेसिकली उसको हम लोग प्यार से सेनी बुलाते हैं, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं आप उनको निकनेम देते, तो हम उसको सेनी बुलाते हैं, उसका नाम सिद्धांत है। सिद्धांत ने लच्छा आलू टोकरी और जो ये जो चटनी मिली थी ना हम लोगों को, इतनी रिफ्रेशिंग चटनी थी, मज़ेदार खाना था। थाली इज़ बेसिकली अगर आप सुबह बस एक मील कर लो थाली के, पूरे दिन आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि कुट्टू का आटा, जो कोफ्ते होते हैं, पनीर, सब इतना हैवी आइटम्स है ना, पूरे दिन आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। और ये जो एक थाली आई थिंक सही दोनों लोगों के लिए है ना, एक बंदा के लिए तो ओवर किल है एक बंदे के लिए, हाँ। और अगर दो लोगों के लिए आप 360 रुपये दे रहे हो तो 180 रुपीज़ पर थाली इज़ रीज़नेबल भी। आई मीन नवरात्रों का खाना क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, लोग थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं आपसे, बट ओवरऑल खाने का बहुत मज़ा आया मुझे। इट वॉज लाइक अ क्रेजी गुड नवरात्र थाली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना क्या आप लोग नवरात्रे पे व्रत रखते हैं कि नहीं रखते। और अगर रखते नहीं हो तो भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे सिद्धांत, जिसको आज मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ ये सारा खाना खाने आने, क्या आप लोग नवरात्रि का नवरात्रि व्रत स्पेशल खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, खाया कि नहीं खाया, कुछ भी कमेंट करके बताना मुझे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही यमी यमी वेजिटेरियन खाने की वीडियोज़ आती है हफ्ते में 4 बार। मैं तन्मय फ्रॉम वेजीपाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आप लोगों के लिए आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep enjoying and always stay vegetarian. Bye bye.